लेकिन जम्मू कश्मीर का भी एग्जिट पोल अपने आप में ही सियासी हलचल तेज करने वाला है। ओसामा, जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल क्या कहता है तो देखिए, भाजपा 20 से 25 सीटों पर निपटती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल दूसरा, भाजपा 20 से 25 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 35 से 40 पर। ओसामा, हाँ, तो भाजपा जो है, भाजपा को ज्यादातर सीटें जो मिली है वो जम्मू डिवीजन में मिली है, और कश्मीर घाटी में जो है वो कांग्रेस और एनसीपी को सबसे ज्यादा वहां पर बढ़त दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल में। तो ये कह सकते हैं कि जम्मू में जो है वो बीजेपी की बहुमत ज्यादा है, लेकिन 370 का जो असर है वो कश्मीर घाटी में उतना देखने को नहीं मिला। बीजेपी के लिए चुनौती थी भी, क्योंकि बीजेपी के लिए टफ था वहां पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करना और उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारों पर खड़े भी उतरना, क्योंकि बीजेपी के लिए कुछ जगहें तो ऐसी थी कि जहां पर लोग विरोध भी करते रहे हैं पहले भाजपा का, लेकिन अब जब रैलीज हुई, ताबड़तोड़ रैलियां हुई, तब भी भाजपा को समर्थन था। और मेरे हिसाब से अगर 20 से 25 जम्मू कश्मीर में भाजपा एग्जिट पोल के मुकाबले है तो जाहिर सी बात है कि ये राउंड फिगर चेंज भी हो सकता है, और जम्मू कश्मीर में भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। देखा जाए, पहले के विधानसभा चुनाव में जो भाजपा को सीटें मिली थी उससे ज्यादा बढ़त हो रहा है और बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन अगर सरकार बनाने की बात है तो वो जो है एनसी और कांग्रेस वो सरकार बनाती दिख रही है, क्योंकि गठबंधन हुआ और जाहिर सी बात है कि किस तरह से गठबंधन का फायदा भी होता है, लेकिन फिर गरारी आ जाती है, मुख्यमंत्री कौन बात। और ये भी देख लीजिए, पीडीपी जो है वो काफी उसको नुकसान हुआ है, 4 से 7 सीटें सिर्फ मिल रही है और उससे ज्यादा जो है वो अदर को मिल रही है। निर्दलीय, देखिए जनता ने भी निर्दलीयों को महत्व दिया है और कुछ जगहों पर तो चुनाव का बहिष्कार भी हुआ, लोग चाहते थे कि जो सरकारें पहले रही हैं वो ना रिपीट हो, लेकिन निर्दलीय ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल नंबर दूसरा था। बता दे और दर्शकों को भी बता दे कि इसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव में ही दिखा है। इंजीनियर राशिद जो है वो 2 लाख वोटों से जो है जीत हासिल की, और यही असर जो है अब वो विधानसभा में भी चुनाव में दिख रहा है कि किस तरह जो है अदर पार्टियां हैं जो आजाद उम्मीदवार हैं वो 12 से 16 पर सीट हासिल करती दिख रही है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।